हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है नवमी, नवरात्रि का आखिरी दिन, और कल मैं नारियल ले आया था। देखिए, आज पूजा पाठ करेंगी मम्मी ले जाके, जो गांव में हमारे जो गांव के बाहर देवी देवता निवास करते हैं, मंदिर वगैरह वहाँ पर है, उन लोगों का मंदिर है और वैसे भी स्थान है, तो वहाँ पे ले जाके नारियल चढ़ाएंगी। तो अभी वाइफ हमारी देखिए नारियल छील रही है सुबह सुबह, और छील करके इसको मम्मी ले जाएंगी पूजा पाठ करने के लिए। और दोस्तों, आज के दिन सब लोग अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, माला फूल और नारियल चढ़ाते हैं माता रानी के दरबार में। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, और कल है दशमी, तो आज सब लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ करेंगे। देखो, बेटा भी हमारा छीलने पहुंच गया नारियल। उसकी मम्मी और वो दोनों लोग जो है जुटे हैं नारियल छीलने में, छील रहा है देखिए। हाँ, छीलने नहीं दे रहा है, पकड़ पकड़ के उसको फेंक रहा है इधर उधर। ले लो, छील लो, ए इधर देखो, छील लो नारियल, खाने लगता है। तो तीनों नारियल छील लिया है देखिए राधा ने, और अब मम्मी जाएंगी फूल लाने, माली आ गए हैं बाहर। और दोस्तों देखिए, मम्मी लेके आ गई हैं फूल माला, हमारे मोहल्ले में माली आए हैं। तो माली जो है नवरात्र जब ख़त्म होती है नवमी के दिन, तो फूल लेके आते हैं फूल माला, तो मम्मी लेके आ गई हैं। नारियल छील के अब उसका छिलका फेंकने जा रही हैं। ये बेटा हमारा देखिए परेशान कर रहा है, मम्मी पूजा करने जा रही हैं, उन्हीं को देख देख के ये जिद कर रहा है जाने के लिए उनके पास। देखिए गाइस, माली बाबा वहाँ खड़े हैं मोहल्ले में, सब लोग उनसे माला फूल ले रहे हैं, वहीं से मम्मी लेके आई हैं। और गाइस, ये देखिए पूजा पाठ की सामग्री आ गई है, जो भी पूजा पाठ में लगता है। और मम्मी अभी गई हैं जल छोड़ने, जल छोड़ के आएंगी तो फिर जाएंगी गांव के बाहर जो देवी देवता हैं वहां पे ले जाएंगी। दोस्तों, ये मम्मी जा रही हैं पूजा करने, ये देखिए काली महारानी जाएंगी पूजा करने। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं भैरव बाबा गांव के बाहर, एक स्थान है भैरव बाबा का, तो वहां पे जा रही हैं पूजा करने। तो मम्मी आगे आगे जा रही हैं, पीछे मैं हूँ। ये देखिए मम्मी भी आगे आगे चल रही हैं, गांव के बाहर है स्थान भैरव बाबा का। और दोस्तों, ये पेड़ जो दिख रहा है यहीं पे स्थान है, पीपल का पेड़ है, एक महुआ का पेड़ है, ये इधर पीपल का पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, तो यहीं पे स्थान है भैरव बाबा का, तो यहीं पे लोग आते हैं चढ़ाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीपल के पेड़ के पास स्थान है, और यहाँ पे महुआ का पेड़ है, तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। मम्मी पहुँच गई हैं, दिया जला रही हैं। तो दोस्तों देखिए, मम्मी पूजा कर रही हैं अभी अभी, ये पहला स्थान है, अभी पीपल के पेड़ के नीचे दूसरा स्थान है, तो वहाँ पे जाएंगी, अभी पूजा कर रही हैं।
every day, late at night, not okay. तो गाइज मम्मी दूसरे स्थान पे आ गई हैं, मैरो बाबा का दूसरा स्थान है, वहाँ पे पूजा कर रही है। यहाँ पीपल का पेड़ है तो ये स्थान यहीं पे है, दूसरा स्थान। तो मम्मी अभी फिलहाल पूजा कर रही है यहाँ पे। तो फाइनली गाइज मम्मी पूजा कर चुकी हैं, अब जा रही हैं घर। दूसरे स्थान जो था भैरव बाबा का, दूसरे स्थान पर भी पूजा कर ली हैं, अब चल रही हैं घर की तरफ। और दोस्तों गांव के बाहर ये दो स्थान था जहां पे भैरव बाबा का स्थान है, और इसके पहले मम्मी गई थी काली महारानी दुर्गा माता का जहां पे स्थान है वहां गई थी। अब यहां पे भैरव बाबा की पूजा करके पूजा पाठ ख़त्म हो गया है, चल रहे हैं घर की तरफ। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर, मम्मी भी आ रही हैं साथ में, ये देखिए। जग गए गाय साहेब, साहेब जग गए गा, जग गए गा बेटा, सो रहा था अभी। तो दोस्तों आ गए हैं मोहल्ले में, मोहल्ले का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। आज हमारे मोहल्ले में भी लोग सब पूजा पाठ में जुटे हैं, पूजा पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले राहुल बेटा मिल गया है। और दोस्तों देखिए राहुल छील रहा है नारियल, अभी ये लग रहा है कि पूजा पाठ करने इसके घर के लोग नहीं गए हैं, मम्मी जाएंगी। हाँ मम्मी जाएंगी। हाँ तो अभी छील रहा है नारियल। तो सब ला लिए वो सामान? सब अभी लाए। अच्छा तो ये ला लिया है सामान सब, अभी पूजा पाठ इसकी मम्मी जाएंगी करने। तो दोस्तों आज नवमी है इसलिए हर घर से लोग जाएंगे आज नारियल वगैरह लेकर के भैरव बाबा काली महारानी जो हमारे गांव के बाहर जो देवी देवता निवास करते हैं वहां पे जाएंगे, सब पूजा पाठ करेंगे, पूरा गांव जाएगा आज। तो गाइस जा गया हूं मैं घर, अभी नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया है क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद ही नाश्ता करते, इसी वजह से अभी नहीं किया था। मम्मी कर रही हैं और मम्मी देखिए नाश्ता कर रही हैं, पूजा करके आई हैं, अभी तक नाश्ता नहीं किए थे हम लोग, तो हम भी करने जा रहे हैं नाश्ता। तो इनका स्नान ध्यान हो गया है, इधर उधर उपद्रव शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, तुम भी दे दो नवमी की शुभकामनाएं। नवमी के हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों सब लोग आज नवमी का त्यौहार मना रहे हैं, कल दसवीं है, दशहरा है। तो कल जो गांव में हमारे मूर्ति बैठाई गई है माता रानी की, उसको जो है विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा। तो कल ब्लॉग बनाएंगे तो उसी पे आधारित रहेगा, वही ब्लॉग माता रानी के विसर्जन के समय का, पूरा गांव में घुमाएंगे, हो सकता है तो गाँव में घुमाएँगे तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएँगे। तो आप लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।